हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डीसी जनरेटर के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, डीसी जनरेटर के प्रकारों को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारा वीडियो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर जरूर देखें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बताया है कि डीसी जनरेटर के जो विभिन्न भाग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। एक प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर को खोल करके उसके सभी भागों के बारे में मैंने बताया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, डीसी जनरेटर्स को हम उनके फील्ड सिस्टम के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। यह दोस्तों डीसी जनरेटर का एक सबसे सरल प्रकार होता है, इसे हम परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर कहते हैं। तो दोस्तों, आइए इसकी संरचना हम लोग समझते हैं। इसमें जो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर्स होते हैं, उनमें दोस्तों फील्ड सिस्टम क्रिएट करने के लिए जो मैग्नेटिक बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए हम प्राकृतिक चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो पत्थर के रूप में जो चुंबक प्रकृति से निकाले जाते हैं, प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, उन चुंबकों का यूज हम इस जनरेटर में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं मैंने ड्रा की, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करने के लिए परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर्स में परमानेंट मैग्नेट्स या जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये चुंबक जो है जनरली पेयर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे इनके दो, चार या छः पेयर वाले डीसी जनरेटर्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के डीसी जनरेटर्स का ड्रॉबैक यह होता है कि इस तरह के जनरेटर्स को हम केवल स्मॉल रेटिंग के डीसी जनरेटर्स निर्माण करने के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक चुंबकों का जो चुंबकत्व होता है वह काफ़ी कम होता है, इनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, यदि आप ज़्यादा रेटिंग का डीसी जनरेटर बनाना चाहते हैं तो आपको बड़े बड़े चुंबक प्रयोग करना पड़ेगा, और इस बड़े बड़े चुंबकों के प्रयोग के कारण आपका जनरेटर जो है वह प्रैक्टिकल नहीं रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जो डीसी जनरेटर होते हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप के, वह केवल स्मॉल रेटिंग के लिए ही बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप लोगों ने साइकिल में लगने वाला डायनोमो देखा होगा, और वह डायनोमो जो होता है वह परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों, डीसी जनरेटर को हम लोग उसके एक्साइटेशन के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर एक्साइटेशन क्या होता है, और उस आधार पर हम डीसी जनरेटर्स को किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा यह डीसी जनरेटर है, इसमें हम लोग फील्ड क्रिएट करेंगे। वो फील्ड बनाने के लिए दोस्तों, अब यदि मान लीजिए हम परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इस पर वाइंडिंग कर सकते हैं, ये वाइंडिंग कर सकते हैं, और इन वाइंडिंग्स की सहायता से हम लोग इस पर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो ये जो वाइंडिंग्स हैं दोस्तों, इन वाइंडिंग्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें सप्लाई देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे सप्लाई किस तरह से दी जा रही है, यानी कि यदि इसे बाहरी सोर्स से, डीसी सोर्स से अगर सप्लाई दे रहे हैं, यदि इसमें हम डीसी प्रभावित करें एक एक्सटर्नल बैटरी से इसे जोड़ करके, यदि इसमें हम डीसी प्रभावित करें तो ये जो पोल हैं, इन पोल पर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसे दोस्तों एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, एक बाहरी बैटरी के द्वारा सप्लाई देते हैं। इसीलिए इस प्रकार का जो जनरेटर होता है, जिसे बाह्य सोर्स के द्वारा एक्साइट किया जाता है, या जिसका फील्ड सिस्टम जो है वह बाहर से ऊर्जा प्राप्त करता है,
बाहर से सप्लाई प्राप्त करता है। इस प्रकार के जनरेटर्स को दोस्तों हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो यह होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसके अलावा दोस्तों यदि हम डीसी जनरेटर को एक्सटर्नल सोर्स से या एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट ना करने की बजाय यदि हम आर्मेचर और फील्ड का कनेक्शन आपस में कर दें और इस तरह से जनरेटर को बिना किसी सोर्स की सहायता से यदि एक्साइट किया जाए, जो जनरेटर स्वयं से एक्साइटेड हो जाए, उस जनरेटर को हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों होता क्या है कि दो पोल जो होते हैं, जो वाइंडिंग होती है उसको दो भागों में बनाया जाता है, फील्ड वाइंडिंग, और इसे डायरेक्ट ही आर्मेचर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आर्मेचर से डायरेक्ट ही कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसे डायरेक्ट ही हम लोग आर्मेचर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह का जो जनरेटर होता है जिसमें आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होती हैं और इस जनरेटर को बाहर से सप्लाई नहीं देना पड़ता, इसमें दोस्तों इसका जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है उसके कारण यह जनरेटर स्वयं ही एक्साइट हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार के जनरेटर को हम सेल्फ जनरेटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि एक्साइटेशन के आधार पर जनरेटर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सेपरेटली एक्साइटेड, जिसमें कि बाहरी सोर्स से बैटरी से फील्ड को एक्साइट किया जाता है, और नंबर सेकंड होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जिसमें आर्मेचर और फील्ड सिस्टम आपस में कनेक्टेड रहते हैं और इसे हमें बाहरी बैटरी सोर्स से कनेक्ट नहीं करना पड़ता। इस जनरेटर का जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, यानी कि इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाता है, उसके कारण ये जनरेटर स्वयं ही एक्साइटेड हो जाता है। दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स जो होते हैं उसे भी हम और अधिक वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि जो आर्मेचर है और फील्ड सिस्टम है वह किस तरह से आपस में कनेक्टेड किए गए हैं, वह किस तरह से डीसी जनरेटर में आपस में जुड़े हुए हैं, इस आधार पर भी हम डीसी जनरेटर को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आर्मेचर और वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर, जो फील्ड वाइंडिंग है उसके कनेक्शन के आधार पर डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बना के बताता हूँ आपको एक, जैसे मान लीजिए ये हमारा फील्ड सिस्टम है, ये फील्ड है। ठीक है, जो चुंबक उत्पन्न करता है यह वह फील्ड है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक यदि मान लीजिए यह हमारा उस मशीन का आर्मेचर है। ठीक है, अब दोस्तों यदि इन दोनों को मैं डायरेक्ट पैरेलल में या शंट में कनेक्ट कर दूं और यहां से हम लोग बाहर टर्मिनल निकालकर इसको आउटपुट लें। ठीक है, यहां आप मान लीजिए इसमें कोई भी प्राइम मूवर है, ये प्राइम मूवर इसको रोटेट करेगा। ठीक है, ये प्राइम मूवर जो है ये हमारी आर्मेचर को रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो जनरेटर होता है दोस्तों जिसमें आर्मेचर और फील्ड, ठीक है, ये आर्मेचर है ये आर्मेचर और फील्ड दोनों जिस डीसी जनरेटर में पैरेलल में या शंट में जुड़े होते हैं, उस जनरेटर को हम शंट जनरेटर के नाम से जानते हैं। आपने काफी ज्यादा सुना होगा इसके बारे में, ये हो गया हमारा शंट जनरेटर। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप डीसी जनरेटर को एक ये आर्मेचर और फील्ड हैं, आर्मेचर और फील्ड इसको एक अन्य तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसे सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फील्ड बनाया और इस फील्ड को हमने आर्मेचर के डायरेक्ट सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। तो ये आर्मेचर है और ये वाला ऊपर वाला जो है हमारा फील्ड है, ठीक है, यह आर्मेचर, और इसको प्राइम मूवर जो है वह रोटेट करेगा, प्राइम मूवर। तो दोस्तों जिस डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, देखिए यहाँ ये सीरीज में जुड़े हुए हैं दोनों, तो इस जनरेटर को हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग नाम देंगे, ये दूसरा प्रकार है, इसे हम लोग नाम देंगे सीरीज डीसी जनरेटर। इसे हम लोग नाम देते हैं डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों डीसी जो सेल्फ डीसी जनरेटर होते हैं उनका कनेक्शन एक अन्य प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें कि ये जो फील्ड सिस्टम है इसका एक भाग तो आर्मेचर के शंट में होता है और उसका दूसरा भाग जो होता है उसे हम आर्मेचर के पैरेलल में आर्मेचर के सीरीज में कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ बोर्ड पर ड्रा करके किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा आर्मेचर है, यह हमारा आर्मेचर है। अब दोस्तों इस आर्मेचर में मान लीजिए मैंने वाइंडिंग का एक भाग डायरेक्ट ही आर्मेचर से कनेक्ट कर दिया और वाइंडिंग का जो दूसरा भाग है इसको यदि मान लीजिए मैं सप्लाई के सीरीज में रख देता हूँ, आर्मेचर के सीरीज में कर देता हूँ, ये दोनों ही जो है फील्ड वाइंडिंग का एक भाग है। तो इस तरह का जो जनरेटर होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड टाइप जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर। क्योंकि दोस्तों कंपाउंड का मतलब होता है हिंदी अगर अर्थ निकाले तो मिश्रित रूप। तो यहाँ देखें आपकी ये जो जनरेटर है वो शंट और सीरीज दोनों में इसके वाइंडिंग है आर्मेचर के, जो आर्मेचर है उसके शंट और सीरीज में दोनों के फील्ड वाइंडिंग है, कनेक्शन है। तो इसीलिए दोस्तों इस प्रकार की जो डीसी जनरेटर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वाउंड जनरेटर या डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, ये होते हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर। अब दोस्तों ये तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे या कनेक्शन के आधार पर हमने जनरेटर्स को वर्गीकृत किया। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जनरेटर को किस प्राइम मूवर की सहायता से चला रहे हैं, किस युक्ति की सहायता से घुमा रहे हैं, उसके आधार पर भी जनरेटर्स का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, वहाँ भी आप लोग याद रखें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों यदि मान लीजिए जो प्राइम मूवर है उसको यदि जल वाले जो टरबाइन होते हैं, यदि जल वाले टरबाइन की सहायता से चलाया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, जल चालित डीसी जनरेटर, ठीक है, जल टरबाइन चालित डीसी
जनरेटर। ठीक है दोस्तों, यह भी एक प्रकार है, हालांकि यह उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो इसके पहले मैंने समझाए थे शंट सीरीज और कंपाउंड, उन्हें आप लोग ज़्यादा अच्छे से याद रखें, लेकिन चूंकि यह भी एक प्रकार है तो यहाँ पर इन्हें भी हमें जानना जरूरी है। तो एक होता है ये जल टरबाइन चालित डीसी जनरेटर होता है, दूसरा दोस्तों जो स्टीम से चलाते हैं हम लोग, जिसे स्टीम इंजन की सहायता से, वह होता है आपका स्टीम चालित डीसी जनरेटर। स्टीम टरबाइन चालित डीसी जनरेटर। ठीक है तो दोस्तों, यह वाले प्रकार भी आप लोग याद रखें, स्टीम टरबाइन और जल टरबाइन डीसी जनरेटर। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों उम्मीद कर दोस्तों दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।